मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थडे की आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आज का क्या प्लान है आपका बर्थडे सेलिब्रेशन का, कैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं आप पूरा दिन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई एम शूटिंग ऑन माई बर्थडे और यहीं पर मैं बस शूट करूँगी, शूट करके घर जाऊँगी, कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनसे मिलूँगी, या तो डायरेक्ट अगर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होगी तो मैं घर जाकर डायरेक्ट सो जाऊँ क्योंकि कल भी शूट है। बट मुझे लगता है कि पार्टी से ज़्यादा मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है क्योंकि नॉर्मली लोग तो पार्टी वार्टी करते होंगे, केक खाते होंगे, यू नो जो भी करते हैं, बट हमारे यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ, सब एक्टर्स के साथ मस्ती कर रही हूँ, गेम्स खेल रही हूँ, सब जोक कर रहे हैं, बर्थडे है तो वो स्पेशल फीलिंग भी है, यू नो वो स्पेशल चाइल्ड वाली फीलिंग आती है जब स्कूल जाते हो तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग लग रही है, सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं बार बार, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओके, मेमोरीज की अगर हम बात करें तो कोई बचपन की मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे बर्थडे से रिलेटेड कुछ? बिल्कुल, तो जब मैं छोटी थी तो जब भी मैं किसी के घर जाती थी तो पहले जब क्या होता था कि जो फैंस होते थे ना उस पर ऐसे बड़ा सा बलून लगा देते थे और उसके अंदर ना टॉफीज भर देते थे, तो जब मेरा बर्थडे आया तो जब मेरे पेरेंट्स ने वो सेटअप किया था तो मैंने अगरबत्ती से उसे फोड़ा और सारे बच्चे उसके नीचे होते थे तो मैंने उसे फोड़ा और क्या कहते हैं बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल वो लोग कलेक्ट नहीं करते हैं, वो बाकी जितने भी फ्रेंड्स या जितने भी बाकी बच्चे होते हैं या कोई भी होता है वो लेते हैं, वो एज अ गिफ्ट या रिटर्न गिफ्ट ऐसे लेते हैं वो। तो मैंने क्या किया, मैंने फोड़ा और भाड़ में गए सब लोग, मैं खुद कलेक्ट करने लगी और मैं ही कलेक्ट करके बैठ गई थी। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट था मेरे लिए, अभी जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। अभी तक तो मुझे दिया नहीं है, आई गेस मुझे शाम तक पता चल जाएगा, मुझे पता नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने क्या अभी तक डिसाइड करके रखा है, जस्ट होप कि कुछ अच्छा हो, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगी बट हाँ। फैंस की गिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी तक का कोई बहुत प्रीशियस गिफ्ट आपको फैंस की तरफ से मिला हो? सी मेरे जितने भी फैंस हैं, जो भी एडिट्स बनाते हैं, जितने भी विशेज आ रहे हैं, जो भी कॉल कर रहे हैं, आई थिंक उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि वो लोग मेरे काम को देखते हैं, वो देखने के बाद मुझे पसंद करते हैं, मेरे शो को पसंद करते हैं और फिर मेरे स्पेशल डे पे मेरे इस दिन का पार्ट बनते हैं, तो आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। और वो लोग जो कंटिन्यूस एडिट्स बना रहे हैं, जैसे मेरे बर्थडे के 30 दिन पहले से उन्होंने एडिट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो काउंटडाउन भी स्टार्ट कर दिया था और वैसे वैसे एडिट्स बनाने लग गए थे विद ब्यूटीफुल म्यूज़िक और फिल्टर्स के साथ, बहुत अमेजिंग, तो आई थिंक वही फैंस की तरफ से मेरा बेस्ट गिफ्ट है। ओके, बर्थडे विश की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा विश आप मांगना चाहेंगे खुद के लिए? आई थिंक वो मैं सीक्रेट रखूंगी, बर्थडे विशेस किसी से शेयर नहीं करते। अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए होगा तो आप मतलब ऐसे पेरेंट्स या फिर फैंस से कौन सा गिफ्ट लेना पसंद करेंगे? तो अगर मैं फैंस से अगर मुझे चाहना है तो मैं ऑब्वियसली ये चाहूँगी कि आप हमारे शोज़ को भर भर के अच्छे से देखें और TRP बढ़ा दीजिए, बस वही मेरे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। अभी शो की अगर हम बात करें तो यू नो आपका कैरेक्टर फैंस को बहुत पसंद आ रहा है, तो आपने कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा फैंस से? नहीं, सोचा तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं ऐसा था कि राधा कैरेक्टर है, राधा तो सबकी ऑलरेडी फेवरेट है क्योंकि कृष्णा जी राधा जी जो केमिस्ट्री है सबको बहुत ज़्यादा भाती है, तो कहीं ना कहीं लगा था कि अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, सबको पसंद आएगा, अगर नहीं लगा तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट अब क्योंकि इन्हें पसंद आ रहा है और इसी वजह से हम सब मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं बर्थडे वाले दिन में भी मैं शूट कर रही हूँ। ओके, को-स्टार्स की अगर हम बात करें तो को-स्टार्स की तरफ से कुछ गिफ्ट या फिर कुछ स्पेशल विशेज? तो आज मेरे सारे जितने भी सब हैं वो सब हैं नहीं, हम सिर्फ कुछ ही लोग आज यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो मोहन जी, केतकी, राहुल, गुनगुन, काफ़ी लोग का आज शूट नहीं है, तो जिनके साथ भी मैं शूट कर रही हूँ बेचारे वो लोग का भी लेट पैकअप हो रहा है, वो लोग भी जल्दी आ रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, बट लेकिन हम बहुत मजाक मस्ती कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, चॉकलेट्स मिल रहे हैं, हग्स मिल रहे हैं, स्वीट्स मिल रहे हैं, ये सब तो मिलते रह रहा है। मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे इस अमेजिंग डे में, स्पेशल डे में मेरा पार्ट बनने के लिए, मेरे इस दिन का पार्ट बनने के लिए, और हाँ अगर आप लोग को कुछ गिफ्ट देना है तो बस आप यही गिफ्ट दे सकते हैं कि हमारा शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन बहुत अच्छे से देखे, रोज़ देखे और इसकी TRP बहुत बढ़ा दीजिए, यही मेरा गिफ्ट होगा। ओके, वंस अगेन विश यू मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।